नमस्कार, आई एम आचार्य ओमकार शर्मा फ्रॉम ओमकार वास्तु। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि जैसे घर में ये डाइनिंग टेबल होती है और इसका भी वास्तु में बड़ा इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। जैसे आप जानते हो कि 16 जवन होते हैं वास्तु में, तो ये जो है डाइनिंग टेबल हर जवन में उसका एक अलग अलग इफेक्ट आता है। जैसे कि अगर आपकी डाइनिंग टेबल ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है तो जो है आप जो है ये जो है सबसे अच्छा इफेक्ट देती है उस घर में। लोग जो हंसी खुशी रहते हैं, सब हंसने वाले होते हैं, खाना खाते समय सारे जो है कोई रोमांटिक बातें करेंगे या इंटरटेनमेंट की बातें करते हैं और वहाँ पर दिल सभी का खुश रहता है ऐसे घर में। दूसरा जोन है वो है जैसे ईस्ट है। ईस्ट में अगर जिसकी जो है डाइनिंग टेबल आ जाती है तो वो क्या है, वहाँ पर पार्टियाँ बहुत होती हैं, सोशलाइजेशन बहुत होता है लोगों में। और उससे आगे ई एस सी आता है, उससे आगे वाला जोन। तो ई एस सी क्या है, एंग्जाइटी का जोन है। तो जब ई एस सी में किसी की डाइनिंग टेबल आ जाती है तो वो वहाँ पे लोग कितना भी अच्छा खाना बना लो घर में, पर उसमें कुछ न कुछ कोई न कोई कमी निकाल लेगा कि इसमें नमक कम है, कि इसमें जो है चीनी कम रह गई चाय में, कुछ न कोई नुक्स जो है निकालते रहते हैं। उससे आगे जो है जोन आता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में अगर जो डाइनिंग टेबल आ जाती है तो वहाँ पर जो लोग जो है ज़्यादातर जो है पैसे की बातों में उलझ जाते हैं। पैसों को भी ऊपर डिस्कस करेंगे कि वहाँ से पैसे लेने थे, वहाँ पैसे इन्वेस्ट करने, इस टाइप की बातें करते हैं। साउथ साउथ ईस्ट में अगर डाइनिंग टेबल आती है तो यहाँ पे जो है ये हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा जोन है। लोग जो है बड़े हष्ट पुष्ट रहते हैं ऐसे घर में जिनकी डाइनिंग टेबल जो है साउथ साउथ ईस्ट में आती है। साउथ की जो डाइनिंग टेबल है वो आपके कंपनी है या खुद अपना एक इंडिविजुअल नाम है उसको जो है बढ़ाती है। साउथ साउथ वेस्ट में जिसकी डाइनिंग टेबल आ जाती है उस घर में जो है साउथ साउथ वेस्ट में क्या है वो डिस्पोजल का जो होता है, ऐसे घर में जो है पेट खराब रहते हैं और जो है खाना भी जो है ज़्यादा हष्ट पुष्ट नहीं रहता और ज़्यादा नहीं लगता है खाने पर। इससे आगे साउथ वेस्ट का जोन आ जाता है तो इस घर में भी जिस घर में साउथ वेस्ट में डाइनिंग टेबल होती है तो उसमें क्या है कि लोगों के संबंध बहुत अच्छे मजबूत होते हैं। और वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट में अगर जिनकी डाइनिंग टेबल है तो वो भी जो है सोसाइटी से बहुत गेन कराती है। लोग वहाँ पे सोशल पार्टियाँ होती हैं और उससे क्या है कि बड़े बड़े लोगों से तुम्हारे संबंध बनते हैं, ठीक है ना। और WNW में जिनकी डाइनिंग टेबल आ जाती है तो ठीक नहीं मानी जाती है, वहाँ लोग जो है डिप्रेस्ड पाए गए हैं ज़्यादातर। और उससे आगे जो आता है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट की जो है आपकी डाइनिंग टेबल है वो भी बड़ी अच्छी होती है। उस घर में सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और जो है खाना है वो भी बड़ा ही स्वादिष्ट होता है और जो भी वहाँ पर खाना खाते हैं वो सारे जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और खाना जो बॉडी को बहुत ही सपोर्ट करता है, इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। और इससे आगे जो डाइनिंग टेबल आती है NNW में, तो NNW में भी डाइनिंग टेबल कोई बुरा इफेक्ट नहीं देती, वहाँ भी ये भी बहुत अच्छा जोन है डाइनिंग टेबल रखने के लिए। उससे आगे जो है डाइनिंग टेबल के लिए जोन आता है नॉर्थ। तो नॉर्थ में अगर डाइनिंग टेबल आती है तो यहाँ पे क्या है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत क्रिएट करती है, हर लाइफ में हर चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी देती है। तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल बहुत अच्छी मानी गई है। और इसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर डाइनिंग टेबल आ जाए तो लोग जो है खाना खाते समय हेल्थ के इश्यूज पर बहुत डिस्कशन करते हैं और ये यहाँ डाइनिंग टेबल आने से हेल्थ भी बहुत अच्छी इम्प्रूव होती है। तो ये जो था आज का टॉपिक वो था हमारा कि भाई डाइनिंग टेबल जो है किस जोन में होने से क्या इफेक्ट आता है। अगर तुम और भी ऐसे टॉपिक जानना चाहते हो तो आप मेरा यूट्यूब चैनल लाइक कर सकते हैं ओमकार वास्तु, और मेरे से कांटेक्ट करने के लिए आप मेरी वेबसाइट है omkarvastu.com उसको उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार नमस्कार, आई एम वास्तु आचार्य ओमकार शर्मा फ्रॉम ओमकार वास्तु। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि भाई घर में जो एसी है वो कैसे अफेक्ट करता है, कहाँ कहाँ पर एसी लगा सकते हैं, कहाँ पर नहीं, ठीक है ना। तो एसी के लिए देखो आप जो है एसी जो लगाना चाहते हैं तो वो देखो आप जो है
एसी नहीं लगाना चाहिए, वो जगह है साउथ वेस्ट में एसी नहीं लगाना है, नॉर्थ ईस्ट में आपने एसी नहीं लगाना है, और जो है साउथ ईस्ट में, इन तीन जगहों पर एसी नहीं लगाना है। अगर आपने साउथ ईस्ट में एसी लगा रखा है तो आपके जो कैश फ्लो को कम कर देगा, और नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में अगर एसी लगा रहता है आपका मूड जो है स्विंग करता रहेगा, आपके जो डिसीजन है वो गलत होने शुरू हो जाएंगे, और साउथ वेस्ट में अगर आपने एसी लगा रखा है तो आपकी जो स्टेबिलिटी है लाइफ की वो अच्छी नहीं रहेगी, और आपके रिलेशन भी अच्छे नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा एसी सभी जगह अच्छा होता है, पर सबसे जो अच्छी डायरेक्शन है वो एसी की, वो ईस्ट में होती है, ठीक है ना। तो ये था एसी के बारे में, और भी आप अगर कोई टॉपिक पे बात करना चाहते हैं या और, तो मेरे से जो है आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 04314083599, और मेरी वेबसाइट है omkarvastu.com, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वह है ओंकार वास्तु। नमस्कार।